चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं खबर पंचायत। चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा की एक महिला से फोन पर एक ठग ने बैंक कर्मी बताकर एटीएम का पिन नंबर लिया और खाते से 42,000 रुपए की ऑनलाइन खरीदारी करी। परेशान महिला ने रावत भाटा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा में एसडीएम महावीर सिंह ने खातीखेड़ा अटल सेवा केंद्र पर स्वच्छ भारत मिशन की बैठक ली। एसडीएम ने अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की बैठक लेकर समीक्षा की। घरों में जाकर लोगों को मोटिवेट किया, इस दौरान गिलोता गांव में जनसुनवाई भी की गई। जनसुनवाई में पेंशन प्रकरण के लिए सचिव को निर्देश भी दिए गए। भरतपुर के कामा में कामाडीग मार्ग पर कनवाड़ा मोड़ के निकट गुरुवार सुबह वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत हो गई। अजमेर के केकड़ी में जापुर रोड से जुड़ने वाला लसाड़िया गांव का सड़क मार्ग बदहाल है, इसके निर्माण के बाद मरम्मत नहीं करवाई गई है। नतीजतन पूरी सड़क से डामर गायब है। पाली के देसुरी में डायलाना कला गांव के कुएं पर 7 दिन पुराना शव मिला था, जिसमें मृतक की पहचान बुढ़ा देवड़ा निवासी के रूप में हुई है और शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया है। भीलवाड़ा के शाहपुरा में रायला थाना अंतर्गत सररी गांव में 3 दिन से लापता युवक का शव कुएं में मिला है। कुएं में शव मिलने की सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। सवाई माधोपुर के चौथ कबरवाड़ा में गुरुवार शाम को अजमेर जबलपुर दयोदय एक्सप्रेस की चपेट में आने से एक महिला की देर रात मौत हो गई, हालांकि कारणों का अभी खुलासा नहीं हो पाया है। चूरू के सरदार शहर में इंडस टावर द्वारा आज काका कॉलोनी में रोड सेफ्टी पर एक कार्यक्रम रखा गया, जिसमें मुख्य अतिथि तहसीलदार थाना अधिकारी और ट्रैफिक इंचार्ज ने ट्रैफिक के नियमों के बारे में लोगों को बताया। साथ ही इसी तरह के कार्यक्रम और जगह भी करने की अपील की है। उदयपुर के कोटवा में बालकों ने श्रमदान करते हुए स्कूल परिसर में सफाई की, जिसमें कुछ ही देर में स्कूल परिसर की काया पलट हो गई। साथ ही पौधों को सही ढंग से पानी मिले इसके लिए पौधों के आसपास खुदाई की गई और दूसरे लोगों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित किया गया। उदयपुर के कोटवा में धदमता निवासी महिला की हत्या कर शव जंगल में फेंक देने के मामले में 7 लाख रुपए पर सहमति बनी, जिसके बाद शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। साथ ही पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। नागौर के मिर्जा सिटी में डांगावास गांव में खूनी संघर्ष मामले में एक आरोपी को आज न्यायालय में पेश किया जाएगा। साथ ही पुलिस ने इस मामले को लेकर गांव झाड़ियों में दबिश दी, जिसमें 34 आरोपी की तलाश की गई, लेकिन पुलिस के हाथ एक भी आरोपी नहीं लगा। उदयपुर के कोटवा में प्रधान क्षेत्र के स्कूलों व स्वास्थ्य केंद्रों को निरीक्षण किया, जिसमें कमियां और लापरवाही मिलने पर आवश्यक सुधार के निर्देश भी दिए गए। साथ ही राजकीय प्राथमिक स्कूल कानापादर बंद मिला, जिस पर प्रधान ने नाराजगी जताते हुए डीईओ को कार्रवाई के लिए लिखा। कई उप स्वास्थ्य केंद्रों का भी निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं की जानकारी ली। सीकर के खंडेला के गंगाराम की ढाणी के पास राजस्थान लोक परिवहन सेवा की बस और जीप की टक्कर में जीप से सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों मृतकों के शवों को जीप से निकालकर खंडेला अस्पताल की मोर्चे में रखवाया और दोनों वाहनों को जब्त कर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। अलवर के गोविंदगढ़ में धड़ल्ले से ओवरलोड वाहन घूम रहे हैं, जिसकी वजह से कई बार बड़े हादसे हो चुके हैं, लेकिन पुलिस इन ओवरलोड वाहनों पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं कर रही, जिसकी वजह से आमजन को खासी परेशानी हो रही है। चित्तौड़गढ़ के कपासन में एवीएनएल ने विद्युत चोरों के खिलाफ शिकंजा कसते हुए 5 गांव में 15 उपभोक्ताओं को 3 लाख का जुर्माना लगाया। नागौर के परवसर में हत्या के मुख्य आरोपी ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली, 2 नवंबर को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी। साथ ही मुख्य आरोपी फरार हो गया था। जोधपुर की बावड़ी में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारियों के संयुक्त महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष के नेतृत्व में राज्य कर्मचारियों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के तहसील अध्यक्ष शैतान राम बिश्नोई को नियुक्त किया गया है। कोटा के खैराबाद में नोटबंदी के फैसले के बाद कैश की किल्लत के चलते प्रदेश की कई कृषि उपज मंडियां बंद और वीरान पड़ी हैं, दर्जनों मंडियों में कारोबार प्रभावित हो रहा है। ऐसे में धनिये के लिए प्रसिद्ध एशिया की सबसे बड़ी रामगंज मंडी की कृषि उपज मंडी में रौनक बरकरार है। जोधपुर के लूनी में पंचायत समिति प्रधान और विकास अधिकारी के बीच खींचतान रुकने का नाम नहीं ले रही है, जिसमें प्रधान ने पंचायत के विकास कार्यों में पिछड़ा बताया। साथ ही जब विकास अधिकारी से प्रधान आपके द्वारा कार्यक्रम पर चर्चा करनी चाहिए तो विकास अधिकारी ने कहा सरकारी नौकर है। बारा के चबड़ा में प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही के चलते यहां पॉलीथिन का कारोबार जोरों पर है, यहां कई थोक विक्रेताओं द्वारा खुलेआम पॉलीथिन की बिक्री हो रही है। पॉलीथिन की बिक्री से स्वच्छता अभियान पर खासा बुरा असर पड़ा है, यहां के पशु इन्हें खाने से अकाल मौत का शिकार हो रहे हैं।
अलवर के मंडावल में उपखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत सोड़ावास में संचालित ई मित्रों का सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान ई मित्र पर भारी अनियमितता देखने को मिली। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में एक विद्यार्थी मित्र की मौत का मामला सामने आया है, जहां हाल ही में पंचायत सहायक भर्ती प्रक्रिया में रोक लगने के बाद विद्यार्थी मित्र मनोज सैन सदमे में था। वहीं परिजनों के मुताबिक मनोज रात को राजस्थान विद्यार्थी मित्र शिक्षक संघ की फेसबुक पर प्रदेश अध्यक्ष ने ऑनलाइन होकर काम को लेकर चर्चा कर रहा था। अलवर के नीमराणा में घिरौट गांव में जिला छाप डॉक्टर के खिलाफ चिकित्सा विभाग और पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई के दौरान दवाइयां और खाली सिरिंज मिली है, इसको विभाग ने सीज किया है। अलवर के भिवाड़ी में नोटबंदी के साइड इफेक्ट, बाईपालस स्थित एसबीआई एटीएम में घुसकर तीन बदमाशों ने जबरन कार्ड लगाकर पैसे निकाले हैं, जिससे लाइन में लगे लोगों द्वारा विरोध करने पर गार्ड ने रोकने की कोशिश की तो गार्ड को जान से मारने की धमकी दी। रैणी के जयसिंहपुरा में गांव में पानी की टंकी बनी तो है, लेकिन इसका इस्तेमाल नहीं किए जाने से लोगों को पेयजल आपूर्ति नहीं हो पा रही है। चित्तौड़गढ़ के भदेसर में जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के निर्देश से चल रही कौमी एकता और महिला सशक्तिकरण सप्ताह के तहत कस्बे के सरकारी स्कूल में महिलाओं की बैठक हुई। भीलवाड़ा के आसीन में करणगढ़ गांव में तीन बाड़ों में आग लग गई, ग्रामीणों ने पानी डालकर आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। वहीं दमकल आने पर करीब तीन घंटे बाद आग पर काबू पाया जा सका। घटना में तीन ट्रक लकड़ियां 40 से 50 बीघा का चारा जलकर खाक हो गया। बारा के अथरू में कृषि भूमि की बोली लगाकर पंचायत मुख्यालय पर नीलाम किया जाएगा। तहसीलदार प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत बमोरी के जड़वाड़ा गांव की कृषि भूमि 3 बीघा खातेदार बिरधीलाल पुत्र नेन का मीड़ा तहसीलदार की ओर से 6 दिसंबर को ग्राम पंचायत मुख्यालय पर बोली लगाकर नीलाम की जाएगी। उदयपुर के वल्लभ नगर में पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय में यूथ फेस्टिवल का शुभारंभ किया गया। इससे पहले कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर उमाशंकर शर्मा थे। उदयपुर के वल्लभ नगर में सरपंच संघ पंचायत समिति की ओर से मुख्यमंत्री के नाम पंचायत सहायक की भर्ती निरस्त कराने की मांग को लेकर संघ अध्यक्ष भगवती लाल मेनारिया ने ज्ञापन दिया। पहले से ही ग्राम पंचायतों में कनिष्ठ लिपिक रोजगार सहायक साक्षरता प्रेरक महिला बाल विकास की कार्यकर्ता उपलब्ध हैं। भर्ती से ग्राम पंचायत को 18,000 रुपए प्रतिमा एवं सालाना 2,16,000 रुपए का भार पड़ेगा, जिसका पंचायत के पास कोई बजट नहीं। वित्त विभाग से जब तक इसके लिए अलग से बजट जारी नहीं हो तब तक उस भर्ती पर अविलंब रोक लगाने की मांग की। उदयपुर के वल्लभ नगर में बजरंग दल भिंडर की ओर से आज नगर पालिका अध्यक्ष को गौशाला खोलने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा जल्द से जल्द गौशाला खोलने की मांग की गई। और खबर पंचायत में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट firstindianews.com पर भी लॉगिन कर सकते हैं। नमस्कार।